So hello and welcome back. I am Dr. Rahil Chaudhary, eye doctor, cataract and refractive surgeon. And आज मैं हूँ ASCRS, American Society of Cataract and Refractive Surgeons की global conference में. And finally, US FDA के safety approval के बाद Wavelight Plus Innovyze Ray Tracing LASIK Technology को आज American soil पर भी launch कर दिया गया है. सो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो वेवलाइट प्लस इनोवाइज रे ट्रेसिंग लेसिक वाला प्रोसीजर है, ये जो पुराने प्रोसीजर्स हैं जैसे सिल्क हो गया, स्माइल हो गया, स्माइल प्रो हो गया, कंट्यूरा हो गया, कस्टमाइज हो गया, स्मार्ट सर्फ हो गया, स्मार्ट लेसिक हो गया, इन सब से अब ये सुपीरियर कैसे हो गया. देखिए 2025 में जो नई टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई है चश्मा हटाने के लिए, इसमें तीन नए फीचर्स को इंट्रोड्यूस करा गया है जो आज से पहले किसी भी टेक्नोलॉजी में अवेलेबल नहीं थे. तो जो सबसे बड़ा हाईलाइट है वेवलाइट प्लस इनोवाइज का, दैट इज द रे ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी. सो एक नए टाइप की टेक्निक इंट्रोड्यूस हुई है चश्मा हटाने के लिए. आज से पहले रे ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी किसी भी कंपनी में, रादर वर्ल्ड में, एग्जिस्ट ही नहीं करती थी. आज से पहले जो हम चश्मा हटाते थे वो या तो हम टोपोग्राफी गाइडेड टेक्नोलॉजी जैसे कंट्यूरा स्मार्ट लेसिक हो गया, वेफ्रंट गाइडेड टेक्नोलॉजी जैसे कस्टमाइज हो गया, या सिंपल स्टैंडर्ड लेसिक, ये हमारे पास टेक्निक्स होती थी. एंड इस बार फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड रे ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी को लॉन्च करा गया है लेसिक ट्रीटमेंट्स के लिए, चश्मा हटाने के लिए. तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है वेवलाइट प्लस इनोवाइज का आज की डेट में 2025 में. सेकेंड एडवांटेज है कि वेवलाइट प्लस इनोवाइज प्रोसीजर्स फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड हम 100% कस्टमाइज कर पा रहे हैं प्रोसीजर अपने पेशेंट्स के लिए. तो आज से पहले जो भी प्रोसीजर्स होते थे वो स्टैंडर्ड वन फिट ऑल गोल्ड स्टैंड मॉडल पर बेस्ड थे, लेकिन वेवलाइट प्लस इनोवाइज में फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड हम पेशेंट की आँख का एक 3D डिजिटल आई मॉडल बनाते हैं, जिसको हम लोग आई अवतार कहते हैं. उस आई अवतार पर एक वर्चुअल सर्जरी करी जाती है और उस वर्चुअल सर्जरी के आउटकम्स को रे ट्रेसिंग एंड आइटरेशन के प्रोसेस से हम लोग इतना रिफाइन कर देते हैं कि जो फाइनल लेज़र पैटर्न निकलता है, जिसको हम पेशेंट में यूज़ करते हैं चश्मा हटाने के लिए, उस लेज़र पैटर्न की हेल्प से हम पेशेंट की जो विज़न है उसको नॉर्मल से भी सुपीरियर कर देते हैं. पेशेंट को 6.6 से बियॉन्ड विजन, 6.5, 6.4, 6.3, इस तरह की सुपर विजन या ईगल्स आई विजन का एडवांटेज देते हैं. तो ये सेकेंड एडवांटेज है वेवलाइट प्लस इनोवाइज टेक्नोलॉजी का, जो आज से पहले कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता था. थर्ड एडवांटेज है कि वेवलाइट प्लस इनोवाइज प्रोसीजर जो है वो फ्यूचर रेडी है. देखिए, जब भी हम किसी इंसान के चश्मा हटाने का ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन के बाद आँख में हीलिंग होती है, आंख हल्की सी चेंज होती है, उसमें एपिथेलियल रीमॉडलिंग होती है, जिसकी वजह से कुछ सालों में विजन की क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है. लेकिन वेवलाइट प्लस इनोवाइज में ये जो आई में चेंजेस आते हैं ऑपरेशन के बाद, इन चेंजेस को भी टेक्नोलॉजी में इनकॉर्पोरेट करा गया है, जिसकी वजह से जो आपकी विजन की क्वालिटी, एक तो हमने वैसे आपकी विजन की क्वालिटी 6-6 से बियॉन्ड कर दी, और अब इस क्वालिटी को हम लोग लंबे समय तक मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि जो भी एपिथेलियल रीमॉडलिंग और आँख में चेंजेस आएंगे ऑपरेशन के बाद, वो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी में इनकॉर्पोरेटेड है, और उस हिसाब से हम लोग ऑपरेशन करते हैं कि ये जो विजन क्वालिटी है ये आपकी लंबे समय तक मेंटेन रहती है. तो अगेन, आज मैं अमेरिका में हूँ, लॉस एंजलिस में ASCRS की कॉन्फ्रेंस में, एंड यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी को लॉन्च कर दिया गया है. और थोड़ा सा मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या चल रहा है. कल वेवलाइट का एक ग्रैंड लॉन्च करा गया था, एक लॉन्च पार्टी थी, थोड़े से उसके भी वीडियोस दिखाता हूँ, और दिखाता हूँ स्टॉल पे यहाँ पे कैसे लॉन्च करा गया और यहाँ पे डेलीगेट्स इस टेक्नोलॉजी को कैसे समझ रहे हैं. We are incredibly excited to showcase our latest commitment to personalized precision
with the launch of Wave Light Plus. Yeah! Yeah! Years in the making, and we're thrilled today to have the official launch of Wave Light Plus. So first a round of applause to the R&D and the engineers. Ray tracing is going to be a big game changer for refractive surgery, eczema, ablation. I saw some studies outside of the U.S. with pretty remarkable visual acuity improvements. I think almost half of patients got 20/12.5 or better vision, even 8% got 20/10. Did you see that type of supervision in your study cohort? Yeah, that was Dr. Bala. That was from Sydney, Australia. That was a 400-eye study. And they got 50% 20/12.5, and I got 45% 20/12.5. So it was nice to see that across the ocean, with a different surgeon and a different machine, you could basically get the same results, which was great. We did not get better than 20/12.5. Okay, very nice outcomes. And another question is, I've heard with ray tracing, one of the current limitations is when you're taking those measurements, how do you relax accommodation? It can affect the outcome, right, and influence the refractive targetings. Did you run into issues like that, and how are you overcoming that in the real world when we're starting to use this? Right, so when we did the study, the instrument has one way of controlling accommodation. It was a static way. The new version that's going to be released in the U.S. has two methods of controlling accommodation, a static and a dynamic. But obviously, you always have to correlate with your cycloplegic. So there are going to be those patients that just can't relax that accommodation. But Dr. Bala seems to think that he's done about 2,000 eyes so far, and he really doesn't think it's a big issue. Oh, fantastic. Thank you. One question I wanted to ask, sir, that we were discussing here, that they were the nomograms that were used were not adjusted. They were the nomograms provided by the company. So did you have any cases where you found the cylinders, the outcomes not coming very accurate, like an overcorrection in the cylinder? No, I mean, we were 100% 20/20. Because what we are doing is that we are reducing the cylinders by 10%. Because initial cases, when we were following the nomogram, the outcomes are coming slightly overcorrection in the cylinders. We did not notice that in our study, but that is correct. 11% is sort of the number that is being bantered around to cut back on the sill. Yes. Plus, any patients who developed coma after the procedure? The overall spherical aberrations were less, but coma slightly higher. Yeah, and could you find any reasons why some patients were developing coma after this? A scientific justification. We actually had a variation between the nine sites of outcomes. Yeah. And so you have to think about surgical technique and fixation. Yeah, but we understand the spherical aberrations were reduced. Yes. Yeah. You guys should get a coffee later.